स्वागत है एक और नई कमाल की वीडियो में। दिस इज न्यू सैमसंग गैलेक्सी फिट 3। ये क्या चीज है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्मार्ट वॉच नहीं है, ये है बैंड। एक आइडियल बैंड जैसा होना चाहिए, बस आपको ये बैंड मिलने वाला है। प्राइस इसकी 5000 है। ये एक अमेजिंग बैंड होने वाला है जिसकी अनबॉक्सिंग आज इस वीडियो में मैं करूंगा। तो चलो जल्दी से बिना किसी देरी के सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स और साथ में क्या क्या एक्सेसरीज आती है। देखो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये बैंड केवल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ही कनेक्ट होगा। अगर आप एक iOS यूजर हो, आईफोन रखते हो, तो वो उसमें ये कनेक्ट नहीं होने वाली है, ये आपके iOS में सपोर्ट नहीं करती है, तो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है। हाँ, लेकिन फिर भी अब जब वीडियो ओपन कर ली है तो वीडियो तो पूरी देख के ही जाना। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों ये है गैलेक्सी फिट 3 का बॉक्स। जल्दी से इसको मैं ओपन करके आपको पहले बता देता हूँ। बॉक्स बाहर आ चुका है और अंदर पड़ा है हमारा स्मार्ट बैंड। ये रहा स्मार्ट बैंड, लेकिन इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले देख लेते हैं अंदर एसेसरीज में क्या क्या मिल रहा है। ये रही है केबल, ये सी टाइप अडेप्टर है, उसी में कनेक्ट होगी। अगर आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो तो फिर उसमें तो आजकल वैसे भी सी टाइप अडेप्टर ही आ रहे हैं, उसे आप लगा सकते हो। और ये जो केबल है ये इसमें कैसे अटैच होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक है, आपको इसके ऊपर बस इसको लगा देना है, ये ऑटोमेटिक चिपक जाएगा मैग्नेट के थ्रू। ये देख लो दोस्तों कितने आसानी से अटैच हो गया, और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है, ये छूटता नहीं है, इसकी पकड़ भी बहुत मजबूत है। बाकी अंदर आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसे अपन बाद में पढ़ेंगे, हटा देते हैं। ये हमारा बैंड है, इस बैंड पे आपको बटन दिख रहा है, इस बटन को बस दबाना है और फिर आपका स्ट्रैप निकल जाएगा, आसानी से डिटैच हो जाता है। इस पे आपको हुक दिख रहे होंगे दो, यही हुक है जो कि आपके बैंड के अंदर फंस जाते हैं। जितना आसानी से इसे निकाला गया है बटन दबा के, उतना ही आसानी से हम इसे वापस लगा भी सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत मजबूत आता है ये आपको मेटेलिक हुक मिल रहे हैं जो कि वापस उसी तरीके से बैंड के अंदर हमको फंसा देने हैं। बटन दबाने की जरूरत नहीं है, अब की बार ये इस तरीके से लग जाएगा, बहुत आसानी से लग जाता है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि ये बटन दबा के निकल गया तो आसानी से छूट भी जाएगा, बहुत अच्छे से अटैच होता है। नीचे की साइड आपको सेंसर्स मिल जाएंगे सारे, और यहाँ पे आपको एक मिलता है बैरोमीटर, और इसकी बॉडी आती है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आता है, मजबूत है, ये गिर भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे ऑन हमने कर लिया है। स्क्रीन आपको मिलेगी 4 सेंटीमीटर की, एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों। अब एमोलेड डिस्प्ले है तो इसमें आपको बहुत ही तगड़े कलर्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अगर आपको इसको कनेक्ट करना है ना, तो फिर आपको गैलेक्सी वियरेबल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करके और फिर आपको सेटअप करना पड़ेगा, कुछ परमिशन मांगेगा वो देनी पड़ेगी। ऊपर आपको गैलेक्सी फिट 3 दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और फिर पेयर कर लेना है। एक कोड आएगा, दोनों स्क्रीन पे शो करेगा। अभी हमको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, कुछ प्लगइन डाउनलोड करने पड़ेंगे, गैलेक्सी फिट 3 प्लगइन। इसी तरीके से एक और प्लगइन है, वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, 8 MB का आता है वो। जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों इसकी डिजाइन बहुत अमेजिंग है, स्क्रीन आप देख सकते हो थोड़ी सी कर्व है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, अगर ज्यादा कर्व होता तो ये थोड़ी स्क्रीन उठी हुई होती, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग फ्लैट है, जो कि इसके लुक को बहुत अमेजिंग बना रहा है। और बिल्कुल सॉफ्ट फिनिश मिलती है, कहीं से भी कोई भी चुभने जैसा आइटम इसके अंदर नहीं है, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होगी। तो चलो जल्दी से स्किप दबा के इसको कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमको अलाउ करना पड़ेगा गैलेक्सी फिट 3 प्लगइन को, यहाँ पे अलाउ करेंगे तभी ये हमको आगे जाने देगा। कुछ फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे इसके एप्लीकेशन में, जैसे वॉच फेसेस है, इसमें आपको 100 से ज्यादा वॉच फेसेस मिल जाते हैं जो कि मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा। कुछ इसमें फीचर्स है वॉच में, पहले वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको इसमें स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, 100 से ऊपर स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं, जो जो आप सोच सकते हो सारे स्पोर्ट्स मोड आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। नीचे से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो कितनी कैलोरी आपने बर्न करी, कितना आप भागे हो, सारा डेटा इसके अंदर सेव रहता है। और स्क्रीन स्लाइड करके आप देख सकते हो और भी चीजें हैं, जैसे आपको कैलेंडर, म्यूजिक कंट्रोल, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इन स्क्रीन को भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने फ़ोन की एप्लीकेशन में। ऊपर से स्लाइड करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्विच ऑफ या फिर ऑलवेज ऑन ऑफ डिस्प्ले। सेटिंग ओपन करके बता देता हूँ, कुछ मोड्स, नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन मिल जाता है। वाइब्रेशन में ओपन करके मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप वाइब्रेशन को म्यूट भी कर सकते हो। साथ में डिस्प्ले सेटिंग देखें तो डिस्प्ले आप सेट कर सकते हो। एडेप्टिव ब्राइटनेस है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे मिल जाएगा, यानी कि स्क्रीन कभी ऑफ नहीं होगी। रेस रिस्ट टू वेक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, टच स्क्रीन टू वेक, यानी कि स्क्रीन को सिर्फ टच करना है स्क्रीन ऑन हो जाएगी। शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन है, जब चार्ज में लगाओगे तब भी आपको बताएगा कितना परसेंट चार्ज हुआ है। ये कुछ बेसिक फीचर्स थे। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सेफ्टी, इमरजेंसी, ये ऑप्शन मिल जाएंगे। एडवांस फीचर में आप देख सकते हो वाटर लॉक फीचर मिल जाता है। वाटर लॉक का मतलब ये है कि जब पानी में लेके जाओगे, पानी में चली जाती है, तो स्क्रीन काम करना बंद कर देगी। तो ये फीचर भी मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब ऐसे छोटे छोटे डीप फीचर भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं।
साथ में जनरल में कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ओरिएंटेशन की आप कौन सी रिस्ट पे पहनने वाले हो वो भी आप बाद में इसमें सेट कर सकते हो। ढेर सारे फीचर है जो आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। इसे मैं ऑफ करता हूँ स्क्रीन को और आपको दिखाता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे दिखती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा डिम है, लेकिन ये ऑफ नहीं हुई है। अगर आप इंडोर में हो तो आपको ये आराम से दिख जाएगा। टैप करके स्क्रीन वापस ऑन भी कर सकते हैं। इसका मैं आपको वॉच फेस चेंज करके दिखाता हूँ। ये डाउनलोड होगा, ऐसे खूब सारे वॉच फेसेस जो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड भी आते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। जैसे आप देख सकते हो मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ, अलग अलग वॉच फेसेस और काफी अमेजिंग है। यहाँ बहुत सारी डिजाइन मिल जाती है, जैसे डिजाइन आप सोच सकते हो। तो ये इसके वॉच फेसेस थे। ऐप स्क्रीन में जाके मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी ऐप स्क्रीन चाहिए। ये कुछ ऐप स्क्रीन ऑलरेडी उसमें लगी हुई है जो कि हमने पहले भी देखी थी। टाइल्स में जाके हम देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी टाइल्स चाहिए अपनी स्मार्ट वॉच में। जैसे ऊपर आप स्लाइड करके भी देख सकते हो, ऊपर आप जो लिस्ट में देख रहे हो वो ऑलरेडी लगे हुए टाइल्स है। इनमें से किसी को आप हटा भी सकते हो और किसी को लगा भी सकते हो। जैसे अगर आपको कोई टाइल लगानी है, बस आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऊपर ऐड हो गई। अब मुझे इसे हटाना है तो ऊपर माइनस का जो आइकन है उस पर क्लिक कर दूंगा, वो हट जाएगी और फिर इसको सेव कर देना है। आप क्विक पैनल को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें कौन से आइकन आपको रखने हैं, कौन से आइकन नहीं रखने हैं, वो आप अपने हिसाब से कुछ डिसाइड कर सकते हो। ये ठीक मोबाइल के जैसा ही फीचर हो गया, जैसे हम मोबाइल में हम करते हैं वैसा इसमें भी आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद इसको भी मैं कर दूंगा सेव। यहाँ पे जो जो बैंड सेटिंग के आपको फीचर मिल रही है, सभी वही फीचर है जो ऑलरेडी हमने वॉच के अंदर देख लिए थे। जैसे ब्राइटनेस से रिलेटेड सारी सेटिंग्स वो आपको वॉच के अंदर भी मिल रही है और आपको इसमें एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। यानी कि इन सब सेटिंग को आप अपने स्मार्टफोन में भी चेंज कर सकते हो और अपने बैंड में भी चेंज कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस दोस्तों बहुत ही कमाल की है, काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल रही है इसके अंदर। मुझे इस वॉच की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका वेट बहुत ही कम है, सिर्फ 18.5 ग्राम है विदाउट स्ट्रैप, और विद स्ट्रैप 37 ग्राम है। दूसरा, ये 5 ATM और IP रेटिंग 68 के साथ में भी आता है, यानी कि वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। दोस्तों मैं इसको पहन के जितना फील कर पा रहा हूँ ना, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। मींस मैं इसको पहन के पूरे दिन रख सकता हूँ और ये उतनी हैवी फील नहीं होती, लाइट वेट है। मतलब इसका जो सिलिकन स्ट्रैप है वो भी मतलब सॉफ्ट है, इरिटेशन फील नहीं होगा पहनने के बाद में। इवन अगर आपके हाथ पे हेयर्स वगैरह भी है तो कहीं फंसेगा नहीं और आपको खुजली नहीं होगी। अच्छा लग रहा पहनने में, आपकी कलाइयां पतली हो या मोटी, या यूनिसेक्स है, कोई भी पहन सकता है। लड़के, लड़की, बच्चे, आदमी, बूढ़े सब पहन सकते हैं, सबके हाथ में अच्छा भी लगेगा। इसमें आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर भी मिल जाता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी छोटा है। हो सकता है टच में थोड़ी प्रॉब्लम आए अगर आपकी अंगुलियाँ मोटी है तो। और जब आप इसमें किसी भी नंबर पे टच करोगे तो ये वाइब्रेट भी करता है, और वाइब्रेशन इसका वो भी बहुत स्मूथ है। और सबसे खास बात ये है कि इसके वाइब्रेशन में आवाज़ नहीं आती है मोटर की। इसमें 13 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल रहा है दोस्तों, यानी कि सिंगल चार्ज पे 13 दिन तक चल जाएगी। दोस्तों इसमें फॉल डिटेक्शन का भी फीचर मिलता है, यानी कि अगर आप कहीं गिर जाते हो तो फिर ये वो डिटेक्ट कर लेगा और एक मैसेज लिखा हुआ भी आ जाएगा कि डू यू नीड हेल्प। इसमें SOS नंबर आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। जब भी आप SOS बटन पर क्लिक करोगे तो आपने जिसके भी नंबर सेव किए होंगे उसके पास आपकी लोकेशन चली जाएगी, और अगर आपको कभी इमरजेंसी हो जाए तो आपको अपने होम बटन यानी कि साइड में जो आपको बटन दिख रहा है उसको बस 5 बार प्रेस करना होगा और आपकी जो भी करंट लोकेशन होगी वो उस नंबर पर शेयर हो जाएगी। तो है ना दोस्तों, ये बहुत कमाल का फीचर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको Fit 3 बैंड? अब ये देखो बैंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस बैंड की सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है ना वो ये है कि आप इस पर बात नहीं कर सकते किसी से, वो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ आपको किसका कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आया है, सब आप इस पर देख सकते हो। इवन कॉल कट भी कर सकते हो विथ मैसेज भी। ये बैंड बहुत कमाल का है। अगर आप इस बैंड को मुझसे डायरेक्ट परचेस भी करना चाहते हो तो फिर स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, प्रीपेड ऑर्डर के थ्रू परचेस कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं रहेगी। जयपुर में अपना स्टोर है, वहाँ पर विजिट करके भी आप परचेस कर सकते हो, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो यही मत छोड़ देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर करके ही जाना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और भी लाता रहूंगा। तो मिलेंगे एक और नई कमाल की वीडियो के साथ।